हेड की कवर की जो कंडीशन है वो काफ़ी ऑयल ऑयल आया हुआ है इधर सब में, यानी कि इसका जो हेड कवर का गैस्केट है वो चेंज होगा। और ये अगर आपकी स्कूटी में ऐसा है या फिर किसी की भी स्कूटी में है तो आप इसको हेड कवर के गैस्केट को चेंज जरूर करें, ठीक है। इसके जो बोल्ड देख रहे हो आप, ये 10 नंबर के बोल्ड है, ये ऑयल में सन के यानी कि ऑयल से भीग के ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम से ऐसे हो गए हैं ये बोल्ड, ना तो क्लियर एकदम क्लियर साफ दिखते हैं, ठीक है। अभी जो कंडीशन है इसकी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और एक बोल्ट ये है और एक बोल्ट ये है, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोबिल निकल रहा है, ठीक है। हेड कवर का गैस्केट अभी हम चेंज कर देंगे, इसका हेड का जो कवर है इसको रिमूव करना है, और अब डायरेक्ट हम करते हैं हेड का कवर रिमूव। तो जैसे ही देख रहे हो फ्रेंड कि ये अभी हमने हेड कवर खोल दिया है, इसकी जो कंडीशन है काफ़ी ऑयल ऑयल हुआ है सब में, यानी कि बहुत बुरी तरीके से इसमें ऑयल लीकेज है। अब मुझे इसको जो है इसको साफ करके अच्छे तरीके से बड़े तरीके से, तो फ्रेंड अब हम करते हैं इसको वॉशिंग, ठीक है। ये जो इसके वॉल्ड है काफ़ी गंदे काफ़ी मैले हो गए थे, ऑयल में सन गए थे, तो इस वजह से हमको इनको बोल्ड को भी धोना है। इसको बोल्ड को धोते हैं बड़े तरीके से और इसके हेड कवर को धोते हैं बड़े तरीके से सफाई तरीके, यानी कि जितना भी ये जो ऑयल जमा हुआ था इसको अच्छे तरीके से क्लीन करके हम फिर हेड का गैस्केट चेंज करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसकी वॉशिंग करते हैं। तो फ्रेंड अब निकालते हैं इसका हेड कवर का जो गैस्केट है उसको निकालते हैं, ठीक है। ये यानी ये जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि ऑयल में सन गया है, और अभी इसको हम निकालते हैं, देखते हैं कितनी मट्टी लगा हुई है इसमें, मट्टी यानी कि जो मोबिल पे जो जमा हो जाता है ना, यानी कि धूल जो जितनी होती है वो मट्टी बन जाती है। तो फ्रेंड इसकी जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, और ये जो है इस पर टूप लगाया हुआ है पहले ऑलरेडी बॉन्ड टाइप का जो है, ये लाल लाल जो दिख रहा है, और इसमें देख रहे हो इतनी कितनी मट्टी जमी है, बहुत ज़्यादा मट्टी जमी है इसमें, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ख़राब हो गया है, तभी इसमें ऑयल लीक हो रहा था, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसमें लगाते हैं हम नया। तो फ्रेंड ये है इसका नया, आप इसको बहुत आराम से बहुत सही तरीके से इसको फिट करें, यानी कि बहुत हिसाब से आपको ये फिट करना है, यानी कि हेड कवर का जो गैस्केट है वो हल्का सा दबा हुआ भी नहीं रहे, इसका इस बात का ध्यान रखना कि कहीं से कहीं दबा ना रह जाए पैकिंग। अब फ्रेंड इसका हेड कवर लग चुका है, अब लगाते हैं बोल्ट, ठीक है ना। बोल्ट आप सही तरीके से टाइट रखें, इन दोनों बोल्टों को एकदम हिसाब से टाइट रखें, ठीक है ना। ज़्यादा भी बोल्ट टाइट मत कर देना आप, यानी कि कभी बोल्ट की चूड़ी स्लिप कर दो आप, ऐसा भी सही नहीं है, ठीक है। बोल्ट आप हिसाब से टाइट करना। ठीक है फ्रेंड, देखो अब इसके बोल्ट टाइट हो चुका है ऊपर वाला, और अब एक नीचे वाला ही गोटी से बोल्ट टाइट करते हैं, ठीक है। हेड कवर का गैस्केट इसका चेंज हो गया, जो पुराना था वो निकाल दिया, नया हीरो कंपनी का लगा दिया, यानी कि हीरो हीरो एक्टिवा मैस्ट्रो एस्ट्रो समय सेम लगता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो हेड कवर गैस्केट चेंज। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।